नमस्कार, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को सीजीआई और उनके चार पूर्व व्रतियों के विरुद्ध कथित ट्वीट्स के लिए अदालत की अवमानना के दोषी माना है। 20 अगस्त को सजा पर तर्क होगा। देश में बढ़ते कोरोना केसों को लेकर राहुल गांधी का तंज। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पूर्व कांग्रेसी अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके देश में कोरोना के बढ़ते मामलों का रेखांकित किया है। ग्राफ में साफ देखा जा सकता है कि कोरोना के मामलों में भारत लगातार दुनिया के दो सबसे प्रभावित देशों के नजदीक आ रहा है। देश में इस समय हर रोज कोरोना के 50 से 60 हजार या इससे भी अधिक नए मामले दर्ज हो रहे हैं। राहुल ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा, अगर ये पीएम की संभाली हुई स्थिति है तो बिगड़ी स्थिति किसे कहेंगे। पीटीआई के पत्रकार पीवी रामानुजम का शव उनके मकान में बने दफ्तर से मिला। झारखंड की राजधानी रांची में लंबे समय से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चीफ रहे वरिष्ठ पत्रकार पीवी रामानुजम का शव 13 अगस्त को उनके मकान में बने दफ्तर में मिला। वह 35 साल तक पीटीआई से जुड़े रहे और इस दौरान वह कटक, दिल्ली और रांची में विभिन्न पदों पर रहे। पुलिस उनकी मौत से स्थितियों की जाँच कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, विभिन्न लोगों ने वरिष्ठ पत्रकार की मौत पर शोक व्यक्त किया है। बेहद मुश्किलों में काम कर रहे हैं डॉक्टर, नर्स। पीपीई सूट में भर जाता है कई लीटर पसीना। कोरोना संक्रमण में दुनिया के ज्यादातर देशों को अपनी चपेट में लिया हुआ है। इस महामारी के दौरान डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ लगातार अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। मेडिकल कर्मियों की इस मेहनत और कुर्बानी को बयान करता ऐसा ही एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। डेली मेल के मुताबिक ये वीडियो चीन के एक कोविड-19 अस्पताल का है। वीडियो में अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद एक डॉक्टर अपना पीपीई किट उतारती है जिसमें से कई लीटर पसीना निकलता हुआ नजर आता है। इस वीडियो को चीनी सोशल मीडिया पर काफी लोग शेयर कर रहे हैं और महामारी के दौरान मेडिकल कर्मियों की मेहनत के लिए उन्हें रियल हीरो का खिताब दे रहे हैं। इसराइल यूएई एग्रीमेंट। 72 साल की दुश्मनी को भुलाकर इसराइल ने पकड़ा संयुक्त अरब इमारत का हाथ। पश्चिमी एशिया के दो बेहद ताकतवर देशों में इसराइल और संयुक्त अरब इमारत के बीच वर्षों से चली आ रही दुश्मनी अब खत्म हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों के बाद इसराइल और यूएई के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस डील के बाद इसराइल अपनी तरफ वेस्ट बैंक के इलाके पर कब्जा करने की विवादास्पद योजना को बंद कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस डील के बाद कहा कि दोनों ही देशों ने इस ऐतिहासिक समझौते और शांति की दिशा में बड़ा कदम करार दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ केवल वार्ता से ही हल किया जा सकता है विवाद। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ने कहा कि भारत के साथ उनका देश का क्षेत्र संबंधित विवाद केवल वार्ता के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। उन्होंने नेपाल के सरकारी टीवी चैनल पर साक्षात्कार के दौरान ये बात कही। बता दें कि नेपाल द्वारा भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में शामिल किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव का माहौल चल रहा है। नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिप्युधारा को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया है। इस नक्शे को नेपाल के संसद में भी मंजूरी मिल चुकी है। ट्रेड वॉर। चीन ने भारत पर 5 साल के लिए और बढ़ाया एंटी डंपिंग शुल्क। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के कारण भारत और चीन के बीच कूटनीतिक और आर्थिक तल्खी बढ़ गई है। चीन की चालाबाजी के कारण भारत ने चीनी कंपनियों पर शिकंजा कस दिया। उसके जवाब में चीन ने ट्रेड वॉर छेड़ते हुए भारत में निर्मित ऑप्टिकल फाइबर उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। नया शुल्क 14 अगस्त से अगले 5 साल तक के लिए लागू होगा। नए आदेश के तहत भारतीय कंपनियों को ऑप्टिक फाइबर उत्पादों पर 7.4 से 30.6% तक शुल्क वसूला जाएगा। राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म अर्नब द न्यूज प्रोस्टिट्यूट का फर्स्ट लुक शेयर किया। बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के जाने माने फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा इन दिनों एक के बाद कई फिल्मों का ऐलान कर रही हैं। उन्होंने क्लाइमैक्स और नेकेड जैसी फिल्में बनाने के बाद थ्रिलर का ऐलान किया था। वहीं अब उन्होंने अपनी एक और अपकमिंग फिल्म का ऐलान कर दिया है। राम गोपाल वर्मा ने ट्विटर पर अपनी आने वाली फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर किया है। इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि फिल्म का नाम अर्नब द न्यूज प्रोस्टिट्यूट है। मोशन पोस्टर का यूट्यूब लिंक शेयर करने के साथ ही उन्होंने फिल्म की कहानी के बारे में भी पोस्ट में ही जानकारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।